goes till I get up. Time is barely. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केयर किचन। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आ गई हूँ, जो कि है पनीर पराठा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है पनीर। तो फ्रेंड्स, पनीर को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। थोड़ी सी ऐड कर देंगे यहाँ पर लहसुन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी ऐड कर देंगे यहाँ पे अदरक, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया, जो कि मैंने क्रश कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरे का पाउडर, जो कि भुना हुआ है। साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। साथ ही यहाँ पे मैं आधे चम्मच ऐड कर दूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहे तो हल्दी भी ऐड कर सकते हो। तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पनीर घर में बनाते हो तो आपको ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मैश करके बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा सा मैश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग रेडी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया। फ्रेंड्स, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। फ्रेंड्स, जब भी मेरे घर में ये पनीर पराठा बनता है ना, तो मुझे तो ढाबे की याद आती है। जो मिलता है ना, वो बड़ा सा पराठा बटर के साथ, एक पराठा खा लो तो फ्रेंड्स पेट भर जाता है और बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स, बारी आती है डो की। तो यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा सा नमक मिला लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है और हम इसका डो बना लेंगे स्मूथ सा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिसकी वजह से हमारा पराठा थोड़ा सा क्रिस्पी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। तो हमने इसका आटा थोड़ा सा सख्त ही लगाया है, क्योंकि जब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे तो थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में फिल हो जाए। अगर फ्रेंड्स थोड़ा आपका आटा गीला रहेगा तो वो उतना फिलिंग स्टफ़ नहीं कर पाएगा। और अब हम इसे थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल और इसे छोड़ देंगे थोड़ा सा रेस्ट पे, ताकि ये सेट हो जाए बिल्कुल से। तो फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट के बाद हमारा डो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे अच्छे से नीड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से नीड करना है। और अब हमें जिस साइज़ का पराठा चाहिए, तो हम उसके इस साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पेड़े बन के तैयार हैं और अब हम इसमें फिल कर देंगे स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बॉल ले ली है और अब हम इसमें स्टफिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैला लिया है। आपको इसे बीच में बिल्कुल नहीं फैलाना है। फ्रेंड्स, अगर ये बीच से पतला हो गया तो जब आप स्टफिंग फिल करोगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी, यानी कि आपका पराठा फट जाएगा। तो आपको सिर्फ कॉर्नर से ही इसको वो करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें फिल कर लेंगे स्टफिंग। तो इस पर मैंने थोड़ा सा भर के स्टफिंग फिल कर ली है और अब इसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉर्नर से लेके हम इसे फोल्ड करेंगे और दबा दबा के। तो फ्रेंड्स, जो भी इसका आपका एक्स्ट्रा पोर्शन निकलता है तो आपको उसे बाहर कर देना है, वरना जब भी आप पराठा बेलोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो उसमें फूलने का चांसेस बहुत कम रहेगा आपके पराठे का, इसलिए जो ओवर रहता है आप उसे एक्स्ट्रा कर दो और बाहर निकाल दो। तो फ्रेंड्स, सभी बॉल फिल्स हो गई हैं, अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रोल करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर मैदा लगा रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, ताकि जो भी हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से फैल जाए हर कॉर्नर तक। और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इसे रोल कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। तो फ्रेंड्स, मैंने पराठा को रोल कर लिया है और अब इसे हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, पैन हो गया है गरम और अब हम डाल देंगे इसमें पराठा और इसे भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक साइड से हमारा पराठा सिक चुका है, तो मैंने इसे टर्न कर लिया है। अब इसमें लगा देंगे ऑलिव ऑयल। तो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे तरीके से ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बटर पसंद हो तो आप इसमें बटर भी लगा सकते हो, या तो फिर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बाकी सभी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो मैंने दूसरा भी ले लिया है और अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, चाहे तो आप बटर घी कुछ भी इस्तेमाल करो। तो फ्रेंड्स, हमारा पनीर पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय बाय।